नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों ये तो सुन ही रहे होंगे, बहुत बार सुने होंगे और आपको शायद मुझ जवानी याद भी हो गया होगा। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बोलने की आदत है और ये मैं अपनी रंगीन राहें तो मैं बोलता ही। दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि ये खास कलाकार के लिए है, खास व्यक्ति के लिए है, खास आदमी के लिए है और खास एक उम्दा इंसान के लिए है। दोस्तों ये सब विशेषण में क्यों लगा रहा हूँ वो आप जानना चाहोगे। तो दोस्तों मैं जिस व्यक्ति की बात करने जा रहा हूँ वो इस विशेषण के लायक है क्योंकि उन्होंने जो भी एक मजदूर की तरह मेहनत की, एक ईमानदार आदमी की तरह काम किया और अपना 100% दिया। तो दोस्तों ऐसे ही कलाकार के बारे में आज कहूँगा। मेरी चैनल में रहिए मेरे साथ। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता है। और दोस्तों जो नए आए हो उन सभी का भी स्वागत करता है। उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो नीचे लोगो आ रहा है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए और ऑल पे बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरे हर वीडियोस की जो भी इंटीमेशन होगी वो मिलती रहेगी। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज एक नहीं बल्कि दो ऐसे कलाकार के बारे में मैं बताऊंगा जिनके बारे में आप सुनने के लिए, देखने के लिए, सब कुछ के लिए, सब कुछ जानने के लिए बेताब रहते हो, उत्सुक रहते हो। दोस्तों ऐसे है कुछ दो कलाकार जो कि एक दूसरे की जान थे, एक दूसरे की आवाज़ थे, एक दूसरे के पूरक थे। तो दोस्तों आज आपको लगता होगा कि ये मैं सब क्यों बोल रहा हूँ। ये बोलता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कलाकार के बारे में मैं जो बताऊँगा, जो कहने जा रहा हूँ उसके लिए जितना भी कहो कम है। क्योंकि इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में कहूँगा और साथ में उनके दोस्त, उनके अजीज़ दोस्त किशोरदा को भी मैं, किशोरदा के बारे में भी मैं कहूँगा। दोस्तों किशोरदा किशोर कुमार गांगुली खंडवा के रहने वाले थे और आए थे तो अपने भाई की तरह। अशोक कुमार जी उनके बड़े भाई थे और अनूप कुमार जो थे वो भी उनके भाई थे। अशोक कुमार जी के जैसे वो भी कलाकार बनने आए थे, एक्टिंग करने आए थे, लेकिन एक्टिंग में कुछ ज़्यादा शायद चल नहीं पाए। तो उन्होंने, क्योंकि उस वक्त अशोक कुमार भी जब आए थे तब वो कलाकार को खुद के गाने खुद ही गाने पड़ते थे और गाना ज़रूरी था, गाना जानना भी बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ था किशोरदा के बारे में भी। किशोरदा भी पहले आए, एक्टिंग की, बहुत सी एक्टिंग की, कॉमेडी तो करते ही थे। कॉमेडी इसलिए करते थे कि ज़िंदगी के हर लम्हों को हंस के जियो, ऐसा किशोरदा कहते थे। उस वक्त वो सह कलाकार या साथ में जो गायक, सह गायक जो भी रहते थे उनको भी हंसाते रहते थे और उनकी बातें तो इतनी है कि मैं कहते कहते थक जाऊंगा। लेकिन उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो थोड़े मिजाजी थे कि और अपने मूड में ही रहते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि उनका एक किस्सा साइडलाइन होकर ज़रा कहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि वो दूर गगन की छाँव में फिल्म के लिए गाना गा रहे थे। तो गाने के लिए जब वो पहले क्या करते थे, जब भी जाते थे तो प्रोड्यूसर्स के पास से फीस अपनी आ गई कि नहीं वैसे वो अपने ड्राइवर को कहते थे। तो अब्दुल नाम था ड्राइवर का और अब्दुल को पूछ लेते थे, अब्दुल सैंडविच आ गई क्या? तो अब्दुल अगर हाँ कहे तो वो गाने जाते थे। तो दोस्तों एक बार ये हुआ कि दूर गगन के छाँव में, वो तो फिल्म उनकी थी, वो भूल भी गए थे कि ये मेरी फिल्म है। और जब रिकॉर्डिंग पे गए तो उन्होंने देखा कि अभी तक सैंडविच आई नहीं। अब्दुल सैंडविच आई? तो उन्होंने कहा नहीं आई। तो उन्होंने ये कहना चाहिए था तो सर ये तो अपनी ही फिल्म है, वहाँ पे सैंडविच कैसे आएगी। तो किशोरदा तो वहाँ से गाड़ी में बैठ के चले गए। अब्दुल को कहा चलो घर चलते और वो घर पे आके बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद जब वहाँ स्टूडियो से फ़ोन आया कि सर आप गाना गाए नहीं और आप चले गए, कहाँ हैं आप? तो बोले मैं तो घर पे हूँ। तो जो भी म्यूजिशियन थे उन लोगों ने कहा कि सर ये तो किस लिए आप चले गए? तो बोले कि सैंडविच आई नहीं इसके लिए। तो बोले सर ये तो आप ही की फिल्म है,
तब वो भागे भागे दौड़े दौड़े आए और दूर गगन की छाँव में फिल्म का गाना रिकॉर्ड किया। ऐसा उनका मूडी थे और ऐसा ही काम चलता था। दोस्तों एक बार तो शूटिंग में भी एक बार ऐसा उन्होंने कहा था, एक बार किया था, जब शूटिंग कर रहे थे तो उनको कैमरा के सामने से गाड़ी में बैठ के चले जाना है। तो प्रोड्यूसर ने तो ऑर्डर दिया, अपना ऑर्डर दिया, डायरेक्टर ने तो ऑर्डर दिया कि यहाँ से आपको जाना है और वहाँ जाके वहाँ से चले जाना है गाड़ी में बैठ के। तो वो तो जब ऑर्डर शुरू हुआ, एक्शन जब शुरू हुआ, तो वो आए गाड़ी में बैठे और चले गए। बाद में सब प्रोड्यूसर्स वो लोग सब ध्यान राह देखते कि कहाँ गए किशोरदा, कहाँ गए किशोरदा। तो वो तो गाड़ी में बैठ के अपने घर चले गए थे। दोस्तों ऐसा भी होता था और बहुत बार ऐसा करते भी थे, लेकिन उनकी आवाज़ जो थी, उन्होंने शास्त्रीय संगीत का भी कोई लेसन नहीं लिया था, वो सीखा भी नहीं था, लेकिन वो हर गाना गा सकते थे। एक बार एक जैसे दुश्मन फिल्म का गाना है, वादा तेरा वादा जो गाना है, वो कव्वाली नुमा गाना है, कव्वाली टाइप का गाना है। तो राजेश खन्ना जी ने बहुत समझाया, तो वो बोले मैं कव्वाली गाता ही नहीं हूँ, आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी कव्वाली गाई ही नहीं। लेकिन राजेश खन्ना ने कहा कि आप तो मेरी आवाज़ हो, मैं ये गाना गाता हूँ, यानी फिल्म में मैं गाता हूँ दुश्मन फिल्म में, तो आपको ये गाना ही पड़ेगा। बहुत मनाने के बाद जब उन्होंने गाना गाया और वो गाना सुपर हिट बन गया, वादा तेरा वादा, वो किशोर कुमार का आवाज़ ऐसे लगता है कि जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे। तो दोस्तों ऐसा था, तो राजेश खन्ना की आवाज़ यानि किशोरदा थे, जैसे राज कपूर जी की आवाज़ मुकेश जी थे, वो लगता ही नहीं है कि मुकेश जी गा रहे हैं या राज कपूर जी गा रहे, ऐसा ही राजेश खन्ना का भी था। और राजेश खन्ना के लिए जो महबूबा में उन्होंने गाना गाया है, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, महबूबा का जो गाना है, वो गाना इतने घूंट के उन्होंने गाया है। और किशोरदा हमेशा ऐसा ही करते थे, पूछते थे कि कौन कलाकार है। तो उनकी एक बात मैं ये कहूँगा, शराबी फिल्म का गाना हो रहा था, मीना कहाँ है तू, जो वो जो गाना था उसका गाना था। तो वो बोले कि ये तो शराब पी के ये गाना गाते हैं, तो मैं भी वैसे ही गाऊँगा। तो लोग समझे कि ये तो शराब पी के गाना गाएंगे तो कैसे गाएंगे, तो बोले ऐसे ही नहीं, मैं टेबल नीचे रखिए, मैं सो के गाना गाऊंगा। फिर वो उन्होंने गाना गाया, तो देखिएगा गाने का इफ़ेक्ट कितना, लाने के लिए वो कुछ भी करते थे। तो अमिताभ की आवाज़ वो थे, बहुतों की आवाज़ वो थे, राजेश खन्ना की तो आवाज़ थे ही थे। तो दोस्तों ये करने के लिए राजेश खन्ना को बहुत पापड़ बेलने पड़े, किशोरदा को समझाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। जब राजेश खन्ना जी नए नए आए थे इंडस्ट्री में, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं एंटरटेन ही करूँगा तो मेरी आवाज़ भी परफेक्ट होनी चाहिए, मेरी जैसी आवाज़ है या तो किसी कलाकार की आवाज़ ऐसी होनी चाहिए, लगना चाहिए कि मेरी आवाज़ है, क्योंकि करना है तो पूर्णतया मैं एक्टर बन के आऊँगा और मेरी आवाज़ भी वैसी होनी चाहिए। तो वो सीधे पहुँच गए किशोरदा के घर पर, किशोरदा ने बिठाया, बुलाया, चाय वाय पियोगे, तो उन्होंने ना कहा। फिर बोले, बोलिए क्यों आए आप, तो बोले कि मैं तो आपको एक रिक्वेस्ट करना है। बोला कैसी रिक्वेस्ट, तो बोला कि मेरे लिए आप गाना गाओ। क्यों, मैं आपके लिए क्यों गाना गाऊं, किशोरदा ने पूछा। तो बोला कि आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ को बहुत सूट होती है और आप गाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बोले तुम इंडस्ट्री में क्यों आए हो, राजेश खन्ना को सवाल पूछा उन्होंने, इंडस्ट्री में क्यों आए। तो उन्होंने कहा कि मैं एंटरटेन करने आया हूँ, पब्लिक को एंटरटेन करने आया हूँ। तो ये बात किशोरदा को चुभ गई, उन्होंने माना कि ये सच्चे दिल से कह रहा है और डेडिकेटेड है एक्टिंग की तरफ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा। और उसके बाद की हिस्ट्री तो आप सभी को मालूम है, किशोरदा ने जो गाना गाया, हमेशा राजेश खन्ना जी के लिए जो गाने गाए सुपर हिट रहे, क्योंकि राजेश खन्ना को मालूम था कि गाने अपनी फिल्मों के अभिन्न अंग है। अपनी इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो गाने ज़रूरी है, और गाना संगीत, गीत संगीत अपने यहाँ, मौत होने पर भी गाने गाते, खुशी होने पर भी गाना गाते, बच्चे की शादी होती है तब गाना गाते, दुल्हन लड़की अगर शादी होके जाती ब्याहती है तब भी गाना गाते। तो दोस्तों ये हमारा संगीत इतना घुल मिल गया है हमारे साथ कि हमारी संस्कृति में हम गाने नहीं तो हमारी फिल्म नहीं, ऐसा ही होता है। तो
इंग्लिश फिल्मों में देखिए ज़्यादा गाने नहीं होते थे, लेकिन हिंदी फिल्मों में गाने बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसा ही हो गया राजेश खन्ना के साथ, उन्होंने बहुत से गाने गाए, जो भी गाने गाए सुपर हिट। तुम्हें लगता नहीं या तो आपको लगता नहीं है कि ये गाना सामने वाला कलाकार गा रहा है या किशोर दा गा रहा है, राजेश खन्ना गा रहा है या अमिताभ गा रहा है। अमिताभ गाते हैं तो वो ही एकदम धीर गंभीर एकदम गहरी आवाज़ में किशोर दा गाती थी। राजेश खन्ना के लिए घूटी हुई आवाज़, एकदम गहरी आवाज़, दोस्तों यही कुछ किशोर दा ने पाया था। और उन्होंने कभी भी संगीत की तालीम नहीं ली, फिर भी बहुत अच्छे गायक बने, बहुत अच्छे बहुतों की आवाज़ बने। दोस्तों ऐसे किशोर दा को सैल्यूट करता हूँ और ऐसे राजेश खन्ना को भी सैल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने उनका साथ लेके हमें एंटरटेन किया, इतने सालों से एंटरटेन किया और एक्टिंग से एंटरटेन किया, उनके गानों से एंटरटेन किया। दोस्तों उन राजेश खन्ना को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों ऐसे ही कुछ बातें लेके आऊँगा, मेरा वीडियो देखिए, आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप नए हो तो मेरे वीडियो को नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का बटन भी दबा दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोगों की वजह से मेरी फैमिली यानी हाँ कौन सी फैमिली, यही फैमिली रंगीन रहा है, बहुत कुछ आगे बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ गई है। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए, मैं ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहूँगा। आपका दोस्त आपका होस्ट नमस्कार विपिन कुमार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम।